सारे पक्का दोखिया है, बताओ यही है नहीं थे, जतना नेता नोती है ये सब दोखी, बताओ इनका लाल बत्ती मिल गया है क्या करेगा, मर्डर करेगा। देख लो दुनिया वालों, अगर झोपड़ी में रहकर महल से नाता जोड़ते हो तो सबकी बहन बेटी की ही हाल होगी। बेटा प्रकाश, ये पिताजी अब तो रास्ते का कांटा साफ हो गया, एकदम साफ। लेकिन पिताश्री पहमलाल, ये देखिए सामने से कौन आ रहा है। बेटा प्रकाश, ये तो गंगू भाई है लग रहा है, ये क्या करने आ रहा है। अरे भाई जान मंगाए ले, वो एक सही कहते हो। ओ भैया नमस्कार, खुश रहो बेटा, खुश राम गणेश, राम गणेश, क्या देख रहा है गंगू बेटा, धूप में आ रहा है, दौड़ कर चाय नाश्ता लेकर आ, दौड़ जा। नहीं चाचा जी, मैं चाय नाश्ता नहीं करूंगा। कोई बात नहीं राम गणेश, अगर गंगू बेटा चाय नाश्ता नहीं पीगा तो एक गिलास चीनी का शरबत बना कर लाओ और उसमें नींबू डाल देना, क्योंकि धूप बहुत तेज है। परेशान मत होइए, मैं पानी नहीं पीऊंगा। कहते हैं हिंदू धर्म में जिस बहन का भाई बड़ा हो, अगर वो लड़की की भात उसे प्यार किया हो, तो अगर वो हो सकता तो उसके यहाँ पानी नहीं पीता है। मैं चला सकता हूँ चाचा जी, इसीलिए वो मेरे से छोटी है, मैं उसके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा चाचा जी। लीजिए जो प्रकाश बाबू 5,000 रुपए मंगाए थे, मैं वो लेकर। बेटा प्रकाश, देखो गंगू बेटा कितना समझदार है, कोई बात नहीं। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। जाओ बेटा, जाओ खुश रहो, जाओ जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे बेटा गंगू, तू तो जा रहा था, वापस क्यों हो गया है? चाचा जी सोच रहा हूँ, आज मैं आपके हवेली के दर्शन हुए, आज के बाद ना जाने कभी इस हवेली के दर्शन हो। अगर मैं अपने बहन के चौखट पर आ ही गया हूँ तो आपसे मेरी एक विनती है कि एक नजर मेरी बहन से मुझको मिलवा दीजिए। मिलवा दो भैया नातेदार। अरे बेटा गंगू, क्या बताऊं, मेरे दोस्त नेता नागराज चुनाव जीते हैं, कल उनके यहाँ पार्टी है और पूरे परिवार का निमंत्रण आया है, उस पार्टी में जाना है हम लोगों को। इसलिए मैंने सोचा कि वहां पर बहुत से नेता लोग आएंगे, अपनी बहू के लिए नए वस्त्र क्यों ना पहना कर ले जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने मन पसंद के वस्त्र लाऊं, हो सकता है बहू के पसंद के ना हो, इसलिए मैंने उसको पैसा दिया और कहा कि बहू तुम स्वयं बाजार जाओ और अपने मन पसंद के कपड़े ले लेना, ताकि और सामान लेकर जल्दी से वापस आना। वो बाजार गई बेटा, बाजार गई है और बहुत खुश रहती है। मेरी बहन बाजार गई है? हाँ बेटा, वो बाजार गई, बहुत होशियार है, बहुत खुश रहती हो। ठीक है, अपने यहाँ तो बाजार बच्ची नहीं गई। वो बात सही है, देखो ये बड़े लोग हैं, इनका शौक होता है बाजार घूमना, इसीलिए वो गई होगी। ऐसा है, हो सकता है आप लोग बाजार जाए, वो दूसरी गली से यहाँ पर पहुँच जाए, ना मुलाकात हो। हम लोगों के फटे पुराने कपड़े और वो मार्केट गई है, कोई देखेगा तो मेरी गुड़िया की बेइज्जती होगी। सही कहते बेटा, मैं उसकी बेइज्जती नहीं सह सकता। चाचा जी कोई बात नहीं, मेरे मिलने का मतलब ये नहीं था कि मैं उसे देख लूं, मेरे मिलने का मतलब ये है
कि मेरी गुड़िया सुखी रहे बस। चाचा जी आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, जा रहा हूँ, अगर मेरी गुड़िया वापस आए तो उससे कह देना कि तुम्हारा भाई गंगू आया था, तुम नहीं मिले इसीलिए वापस चला गया। क्यों नहीं बताऊंगा बेटा, अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी बहू है, क्यों नहीं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा और किसी दिन प्रकाश के साथ भेज दूंगा, दो चार दिन रहकर फिर दोनों वापस आएंगे। ठीक है चाचा जी, जाओ बेटा जाओ जाओ, खुश रहो मेरे लाल, जाओ जाओ। पिताश्री कहो मेरे लाल, तूने तो अच्छी बुद्धि लगाई है तो मैं तो सोचा गया। अरे बेटा इस भेजा में इतना दिमाग है कि मैं अच्छे अच्छे को बेवकूफ बना सकता हूँ। तो पिताजी कहो, अच्छा काम मिल गया, आओ चलते हैं अब दुकान की तरफ। बहुत अच्छी बात, आओ चले बेटा दुकान भी देख रहे हो। आप लोग ध्यान दीजिए, आज प्रिया का मेला लगा है, नगरवासी प्रिया का मेला देखने जा रहे हैं, देखिए क्या होता है जी। अरे जन्म डराई राम आ गई, चलो चलो मेला देखे चला जाए। मेला भी चलोगे और का, तो हूँ आ गए और मरती रही। चलो हो, इनका नाम है ओ कर, इनके नाम का भाई, इनका नाम है, इनका नाम मैं नहीं जाने हूँ, हम कहीं तुरंत ले नाम, नहीं 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 जाने हूँ नाम है। अच्छा चलो काम वाम चला लिए थे। अरे मेलावा में पैसा कौड़ी है नहीं कि मान लो कुछ खाए पिए का मन कहे तो काम चला ली है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या बक रहे हो, क्या बक रहे हो, ये बताओ अब मेला हम कर लेके चलती हूँ, जो कुछ खाओ भी पियोगे ना तो बेइज्जती की के हुई, जो खाएंगे मैं खिलाऊंगे, लेकिन इसको जानते हो क्या है, समझावन दास दास सही कह दिया। चलो एक बार चली गई ये जो बाहर, लौट के ना आएंगी गुजरी बाहर, मेला दिनों का आता है एक बार आके चला। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर, आना है तो सभी को तू, आते हैं मुसाफिर, मेला बाहर का आता है एक बार आके चला जाता है, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला। मैंने सुना है प्रिया का मेला लगा है। प्रिया का मेला तो बहुत जोर से इस समय चल रहा है। चलो आज हम लोग भी मेला देखने चलेंगे। चलो मेला देखने चलिए, वही मेला में लूटा जाए। पैदल चली जब अपना अवध मारही पे, ऐसे गोबो
अब मान लियो तो हाँ सबके ये गौ नहीं सीखे रहे तो ऐसे गौबू तो काओ सीखी है अच्छा यस ना आए कैसे आए अरे उधरे चली जा बाप हता के अबाना रहा भाई उधरे चली चला जाओ हाँ हाँ चले जाओ यहाँ से सुनो मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ कुछ और क्या कहना चाहते हैं बोलो लेकिन मेरी बात सुनकर नाराज मत होना ये मुंह और मसूर की दाल सुनो क्या सुनाना चाहते हैं चेहरा देखता हूँ चेहरा तो सो नहीं पाता हो गया प्यार मगर पागल हो गए हो तुम मेरी बात सुनो चले जाओ यहां से नहीं बेमौत मारे जाओगे मैं बेमौत मारा जाऊंगा हाँ। तो सुनो तू मेरी बात इस तरह से नहीं मानेगी तो कुदरत ने सलाम तुमको सुन रही हो और कुदरत ने सलाम तुमको क्या सोच लगा क्या सोचिए
रतन सलाम तुमको कैसे किया दादू है बोलो मेरी बात मानेगी नहीं मानेगी नहीं 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 तो देखता हूं आत्मरक्षा कौन बचा ले आता है कलाल और तेरी जत से रहा और और लाश किया आकर यहां मेरा बंटा आकर यहां और मेरा बंटा काम और जीवा आता है मेरे लेले तेरी सुनो अगर मान सम्मान बचाना हो तो चुपचाप यहां से निकल जाओ अब है बचाई है तब हवा मारी फिर मैं जाऊंगा तो इस लड़की को साथ में लेकर जाऊंगा इसे लेकर के जाओगे लेकिन मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा मुझे जाने नहीं देगा कदापि नहीं तो मैं लेकर जरूर जाऊंगा इसे दोनों में से जो जीवित बचेगा वही लेकर के जाएगा गड़रा ऐसे मोछ रखाई क्या वहां जान ले ये परवरी लेके जाई है अरवाब ने तना दिखाओ बड़ कई मोछम थैली में धरे है ना बही जानता हूं भैया तू जानता है इसे चलाए फिर कैसे इन्हें एसस गुंडा इन्हें ये सतगुंडा हमारे तेल लगावा थी तू इससे भी बड़ा गुंडा है जब हम गुंडाई करत रहे तो वही सैती जानता हो यही गांव ये छुछुआत रही रुआब ना दिखाओ जब नहीं इसे चुप्पे चलाओ नहीं जानता हो अच्छा हमने तो तुम्हें नहीं जाना कि इतने बड़े गुंडे हो ये जितनी बड़ी जबरदस्ती करता है ना ले सामान धरिहन इनके सरों को मोड़ काट लियो गाणी है भीख मांगे सही में तू गुंडा है अरे पहले सब कहके छोड़ देहन अब तब तक निपटो जब तक हम लौटे हम जाने दे हो अरे कुलाल आ जा रहे हो गोरी मैया का पाल आ अब बताओ तुम यहां से जाओगे या नहीं मैंने कह दिया जाऊंगा तो इस लड़की को साथ में लेकर जाऊंगा लड़की को साथ लेकर जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता कभी नहीं हो सकता तैयार हो जाओ आस्था भाई बरौली गांव के हैं 10 रुपए के नाम बाबा के नाम दे रहे हैं कहा था डाकू को लतिया मारो लेकिन डाकू भागी निगा आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे कुछ कहना है कहिए क्या कहना है सुनो सुनो बचा कर मेरी आपने लाज किया है
मुझ पे साम कई आप जात बेस्या आता है कुछ देखो अब यार सही कह रहे हो तुमने आपको देखा था मैंने तुम सही कह रही हो आपने मुझे देखा है लेकिन आपको याद नहीं है जी नहीं लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूं जब तक मेरे मुख पर मिट्टी नहीं पड़ जाती तब तक मैं आप जैसी देवी को कैसे भूल सकता हूं मैं बताता हूं बताइए कि आपने कहां देखा है मुझे बताइए और फंसी थी नाव मेरी मझधार फंसी थी नाव मेरी मझधार किया था तुमने बेआबा अच्छा बहन की शादी हमारे थी वहां पर तुम गई अपना समझ करके अरे लाज रखी थी मेरी जिस की बहन की विदाई तुमने करवाया था 10,000 रुपए देकर मैं उसी बहन का बदनसीब भाई मेरा ही नाम गंगू है जहाँ बहन की शादी हमारे थी वहां पर तुम गई और अपना समझ करके और लाज रखी थी मेरी और दिया था तुमने 10,000 दिया था तुमने 10,000 किया था तुमने बेड़ा पार आपको देखकर मुझे कुछ होने लगा है क्या और जो कुछ कहूं ध्यान से सुनना हाँ बोलिए ठीक है कहिए आपको देखकर मुझको ऐसा लगा आपके साथ जीवन बिताऊंगी मैं अपनी दिल की ये रानी बना लो मुझे क्या हो गया है तुझे पागल मत बनो जिस तरह सोचती लक्ष्मी तुम मुझे अरे उस तरह है हमारा ठिकाना नहीं अच्छा वो करता मजदूरी में रात दिन दे ये बात है क्यों करता मजदूरी में रात दिन दे शायद इस बात को तुमने जाना वाकई में जैसे भी तुम रहोगे मुझे दम नहीं आपके संग जीवन बिताऊंगी मैं आप ही जब मिले मेरे भगवान हो सुनते हो आप ही जब मिले मेरे भगवान हो आपका मैं भला
लक्ष्मी कहो तुम वाकई में मेरे साथ जीवन व्यतीत कर सकती हो? मेरे पास न घर है न तुम्हें रखने के लिए कोई स्थान है, फिर क्या मैं इस पेड़ के नीचे रहूंगा तो क्या तुम पेड़ के नीचे रह सकती हो? जब दिल दिल से मिलता है, जब दिल दिल से मिलता है तो पेड़ घर क्या है? आप जहां रहेंगे मैं वहां रह सकती हूँ। वाह लक्ष्मी, जब तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची है तो ठीक है, मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। कौन सी शर्त है बोलो? मेरी शर्त ये होगी, आज हम वो जो शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, हम दोनों वहीं पर गंधर्व विवाह करेंगे। परमात्मा की तरफ से हम दोनों पत्नी के रिश्ते में बंध जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ तब तक नहीं रख सकता जब तक कि मैं तुम्हें रखने के लिए कोई झोपड़ी बना ना लूं। ताकि मर्द की शान औरत होती है, जब औरत की हिफाजत न कर सके तो कैसा मर्द? मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी लक्ष्मी, इसलिए मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और आपके साथ गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आइए मेरे साथ। चलो, ओ भैया हमारे ये कहाँ चला गए गंधर्व विवाह करे? चलिए देखिए कौन विवाह करता है। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो वही मैंने भी तुम्हारे विषय में सोचा। सोचा जी हाँ। अरे जा जा के कहा मिन्नत फरियाद करोगी, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगी। ये आगे देवनाथ भैया अंदर वाले, यही सेल में घुसे के 20 रुपए बाबा के चरण में दान देता हूँ। 7 लाख लाख धन्यवाद। क्या याद करो भैया। गजब चूतिया बनाए हो जवान, क्या बात? ये बताओ मेला में है, ऐसे चलबो कि कहूँ कुछ नहाबो धोप करबो? चलो, जहाँ स्नान करना है वहाँ स्नान कीजिए। प्रयागराज माँ सुनेहन की नदी माँ नहाएगी चाहिए, ओकरे बाद मेला करे चाहिए। अच्छा चलो, पहले नहावा जाओ, ओकरे बाद मेला घूमा। चलो चलो चलो। हेलो विजय भैया, विवेक भैया सराह की निवासी हैं। ये 100 के नोट से 20 रुपए बाबा जी के नाम पार्टी धन्यवाद करती है।